कंवड़िया की यात्रा के बारे में जो राजनीति हो रही है, ये हमें विकसित भारत की ओर तो नहीं जब ले जाएगी। लोगों की जिंदगी में संकट आएगा, व्यापारियों को नुकसान होगा, भाषणबाजी होगी। हमारे जो देश में उच्च स्तर पे लोग जो बैठे हुए हैं, वो इस बारे में क्यों नहीं सोचते? खास तौर पे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश के, कि जो उन्होंने जारी किया है ना डायरेक्टिव, इसको बंद करें। सत्ता पक्ष विपक्ष को बैठ के ये तय करना चाहिए कि किस तरह से हमारा देश आगे बढ़े। ये जो कंवड़िया की यात्रा के बारे में जो राजनीति हो रही है, ये हमें विकसित भारत की ओर तो नहीं ले जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि ये देश एक मॉडर्न देश बने, एक विकसित देश बने, तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए, गृह मंत्री जी को चाहिए, मुख्यमंत्रियों को चाहिए कि ऐसे विवादित मुद्दे जिसका मकसद केवल राजनीति है, नहीं उठाएं। ये टकराव की राजनीति, विवाद की राजनीति, जिससे कोई आम आदमी का लेना देना नहीं है, और इसे होगा क्या कि विवाद बढ़ेगा, लोगों की जिंदगी में संकट आएगा, व्यापारियों को नुकसान होगा, भाषणबाजी होगी, और इसका नतीजा क्या होगा? पार्लियामेंट में मुद्दे उठेंगे जो देश के सामने जो चुनौती है, आर्थिक चुनौती है, राजनीतिक चुनौती है, जो हमें मिलकर काम करना चाहिए पार्लियामेंट में, वो काम में कोई बढ़ावा नहीं होगा। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे जो देश में उच्च स्तर पे लोग जो बैठे हुए हैं, वो इस बारे में क्यों नहीं सोचते? क्योंकि अब 3 चुनाव आने वाले हैं और इनको लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ऐसे इस किस्म के विवाद उठें और तनाव हो और किसी एक दल को राजनीतिक फायदा हो और किसी को नुकसान हो। और नुकसान तो किसी का होता नहीं है, नुकसान तो जनता का होता है, वो भी गरीब आदमी का होता है, जो 2 पैसे कमाना चाहता है वो भी नहीं कमा पाएगा। जितनी भारी समस्या बेरोजगारी की आज देश के सामने है, उस पर ध्यान दीजिए। अभी हाल ही में 60,000 जॉब्स की उत्तर प्रदेश में निकली थी, उसमें से 47,00,000 उम्मीदवारों ने एप्लीकेशन दी। 47,00,000 उम्मीदवारों ने 60,000 जॉब्स के लिए, वो कोई बड़ी स्तर की जॉब नहीं है। 1.25 करोड़ उम्मीदवारों ने एप्लीकेशन दी रेलवे में नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए, जॉब्स के लिए। बिहार में प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं कि बेरोजगारी है, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और सरकार, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इन मामलों में सरकार आंख बंद किए हुए है और सुनने को तैयार नहीं। तो आप अगर आंख बंद रखोगे, कान बंद रखोगे और केवल भाषण ही देते जाओगे, तो उससे तो विकसित भारत पर नहीं बनेगा ना।
और फिर वही जो बयानबाजी है वो आपके मीडिया चैनल चलाता है, वो भी नजरअंदाज कर देता है जो देश के सामने जो मुद्दे बैठे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि खास तौर पे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश के, कि जो उन्होंने जारी किया है ना डायरेक्टिव, इसको बंद करें। जो भी यात्रा हो रही है होने दें, पहले भी कई वर्षों से यात्रा चल रही है, तब तो कभी ऐसा विवाद हुआ नहीं, तो आज क्या दिक्कत है कि आप अपना नाम बताइए और अगर ठेला लगा है तो वो भी अपना बताएगा नाम कि इसका ओनर कौन है। अरे सब जानते हैं, कोई भी यात्रा पर जाए सब जानते हैं कि किस जगह के मुझे खाना खाना है, किस जगह नहीं खाना। खाने खाने की राजनीति, पहनने की राजनीति, शादी करने की राजनीति, और मतलब कि कौन सी भाषा बोलते हो वो उसकी राजनीति, लिव इन कपल्स की राजनीति, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की, मतलब कि क्या है। और ये सरकार तो इसलिए बची हुई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको डिविडेंड के द्वारा लाखों करोड़ रुपए दिए हैं, 3.24 लाख करोड़। सरकार का फिस्कल डेफिसिट अभी बजट पेश होने वाला है, उसके बारे में बात करें कि क्या क्या चुनौतियां हैं देश के सामने, आर्थिक चुनौतियां, बेरोजगारी तो केवल एक ही है, लेकिन इस दुनिया में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर बढ़ता जा रहा है, वहां आप अपने बच्चों को इंटेलिजेंट बनाओ, उनको अच्छी शिक्षा दो, तभी विकसित भारत होगा। सड़क बनाने से बच्चा एम्पावर नहीं होता, कभी होता है बच्चा एम्पावर सड़क बनाने से? सड़क पे तो गाड़ी चलेगी ना, यही होगा ना, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए किसी को पैसा कमाना पड़ेगा, और पैसा कमाने के लिए उसको अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। शिक्षा नहीं दोगे तो गाड़ी नहीं खरीदोगे, गाड़ी नहीं खरीदोगे तो गाड़ी चलेगी ही नहीं, तो आप जितने मर्जी अपने बनाते जाओ सड़कें। और आज के दिन सबसे भारी जरूरत है बच्चों की शिक्षा की और स्वास्थ्य की, महिलाओं की, खास तौर पे महिलाओं को रोजगार की। तो आपको मालूम है कि विश्व में हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जिसकी जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो लगभग कोई 150 देशों से नीचे है, और जो महिलाएं वर्कफोर्स में बांग्लादेश में ज्यादा है, बाकी देशों में ज्यादा है। और फिर विवाद होता है कि जीडीपी, जी हमारा तो 6% है, हमारा 8% है, तुम्हारे वक्त ये नहीं था, हमारे वक्त ये है। अरे आंकड़ों से कुछ नहीं होगा, जाके जमीन पे देखो क्या हो रहा है, आंकड़ों से क्या होगा, आंकड़ों से फिर विवाद पैदा होगा। सत्ता पक्ष विपक्ष को बैठ के ये तय करना चाहिए किस तरह से हमारा देश आगे बढ़े।